चलाने के मामले में बहुत ज़्यादा स्मूथ है भाई। इंडिया का मार्केट में आप कहीं भी चले जाओ एच8 प्लस आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो इसका रौला ही कुछ इस तरह का है। इसका बाइक का आतंक जब से लॉन्च हुआ तब से नेक्स्ट लेवल पे है। जिस बोलूँगा चलाने के मामले में एच8 प्लस देखो जबरदस्त है। इस तरह से जो मैं इसको मनोवर कर रहा हूँ चलाने के मामले में जबरदस्त लगे। स्पीड में अगर आप रहोगे तो आपको नियर अबाउट भाई आराम से 65 से 70 किलोमीटर पर लीटर का तो माइलेज आपको मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मेरे पीछे आज को देख पाओगे है हीरो एचएफ डिलक्स 2023 एडिशन। तो उसी के आज को अपन रिव्यू करेंगे, चला के भी दिखाऊंगा कि क्यों एचएफ डिलक्स हमारा इंडियन मार्केट में जब से लॉन्च हुआ है आज तक इतना ज्यादा बिकता है। तो उसी को आज को चला के दिखाएंगे और राइड रिव्यू भी करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि BS6 2023 एडिशन में क्या ये गाड़ी चलाने में स्मूथ हुआ है कि नहीं, कैसा क्या कॉन्फिगरेशन है सब बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहो। अगर आपको मेरा चैनल का वीडियो पसंद आता है ना गाइस, तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेटअप पे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेटअप एंड मेरे सामने ही देख पाओगे है द 2023 एडिशन ऑफ हीरो एचएफ डीलक्स पावर स्टार्ट प्रोग्राम डिफाई के साथ। तो ये 2023 एडिशन वाला बाइक है और मैं आज को राइड रिव्यू भी करके दिखाऊंगा और बोलूंगा कि ये बाइक इतना ज़्यादा बिकता क्यों इंडियन मार्केट में। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई क्या सब हमें देखने को मिलता है 2023 एडिशन में। तो सबसे पहले देखोगे इंजन कंपार्टमेंट वाला एरिया में आपको देखने को मिलेगा प्रोग्राम डिफाई। तो हाँ भाई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि BS6 में हर एक बाइक को डिफाई कर दिया गया है। और यहाँ पे देख पाओगे कैटलिटिक कन्वर्टर भी है। तो ऑफकोर्स भाई ये BS6 2023 एडिशन वाला बाइक है। और यहाँ पे देख पाओगे पैनल में HF डिलक्स भी लिखा हुआ है, i3s भी लिखा है, मतलब हीरो का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इंजन आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, तो उसको i3s बोलता है हीरो। और यहाँ पे देख पाओगे टैंक पोर्शन में आपको हीरो देखने को मिलेगा, जो कि सही बात है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि चलो सबसे पहले बात करते हैं द हार्ट ऑफ द मैटर, वो है इंजन। सो गाइस, हीरो HF डिलक्स का अगर बात करें तो वो है मेन इंजन। तो इंजन कितना पावर प्रोड्यूस करता है, तो सबसे पहले बोलना चाहूंगा इंजन जो प्रोड्यूस करता है 8 bhp एंड टॉर्क है 8.5 nm का टॉर्क, जो कि सही बात है। और ये गाड़ी का जो सीसी है वो है 97 cc। तो ऑफकोर्स इसको 100 cc सेगमेंट में बोला जाता है, लेकिन इसको हम लोग मतलब जो इसका परफेक्ट क्यूबिक कैपेसिटी है वो है 97 cc। तो यहाँ पे देख पाओगे इंजन कंपार्टमेंट वाला एरिया है, यहाँ पे इंजन का ऊपर आपको सिल्वर कोटिंग मिलेगा और यहाँ पे हीरो लिखा हुआ है। और इस गाड़ी में आपको किक स्टार्टर भी देखने को मिलता है, मतलब बेसिक सा बाइक है, ऑफकोर्स कम्यूटर सेगमेंट का राजा गाड़ी है बोल सकते हो। और यहाँ पे देखोगे इंजन हेड के ऊपर मतलब वेंट्स भी बना हुआ है। तो ऑफकोर्स भाई एयर कूलिंग के साथ आता है, SOSC सेटअप, सिंगल ओवरहेड कैम। और यहाँ पे देख पाओगे रेड कलर का स्पार्क प्लग कवर भी है, तो सब कुछ सही लग रहा है। और यहाँ पे देखोगे प्रोग्राम डिफाई भी है, यहाँ पे लॉक है, आई थिंक आप कोई इंपॉर्टेंट पेपर या इन्फॉर्मेशन रख सकते हो। यहाँ पे पावर स्टार्ट का भी आपको ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे देखोगे कि जो मतलब जो कैटलिटिक कन्वर्टर है उसको नीटली इंटीग्रेट किया गया है डिजाइन में, ताकि कोई बाहर गंदा सा नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे अगर पीछे में आ जाते हैं तो इंजन हेड से जो बड़ा सा साइलेंसर निकल रहा है वो बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे देख पाओगे साइलेंसर का और एग्जॉस्ट का ऊपर में आपको देखने को मिलेगा एक क्रोम का मेटल प्लेट। तो ऑफकोर्स भाई ये अच्छा बात है, अगर कोई पिलियन बैठता है तो अगर गलती से इस पर पैर रख दिया तो स्क्रैच ना पड़े, साइलेंसर को नुकसान ना हो। और यहाँ पे देख पाओगे जो राइडर के लिए जो फुटपेक्स है वो रबर क्वालिटी का है, ऑफकोर्स भाई इस सेगमेंट में रबर क्वालिटी का ही मिलता है। और यहाँ पे देख पाओगे जो पीछे वाला रेयर ब्रेक है उसका मतलब जो फील फैक्टर है बहुत शानदार है भाई, क्योंकि ये बाइक इक्विप्ड आता है IBS के साथ इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। तो यहाँ पे देख पाओगे कि जैसे ही मैं पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करूंगा तो सामने वाला थोड़ा सा एंगेज होगा, तो इसी को हीरो बोलता है IBS। इफ यू अप्लाई द रेयर ब्रेक द फ्रंट विल ऑल्सो एंगेज। एंड इस पोर्शन में आते हो तो आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग ट्यूब स्टील स्विंग आर्म। तो ऑफकोर्स भाई कंप्यूटर सेगमेंट में यही सब आपको देखने को मिलेगा। और सस्पेंशन का बात करें तो पीछे आपको मिलता है डुअल टाइप सस्पेंशन, जो कि हर एक कंप्यूटर सेगमेंट में आता है। और नियर अबाउट यहाँ पे देखोगे थ्रेड मार्क्स है, जिससे आप नियर अबाउट 4 to 5 स्टेप इसको एडजस्ट भी कर पाओगे। एंड सामने आपको देखने को मिलेगा भाई एक 18 inches का टायर, तो JK टायर ऑफकोर्स भाई ये हीरो की तरफ से ही आता है। जो साइज है नियर अबाउट आई थिंक 90x90 सेक्शन 18 inches का टायर आता है सामने में। और ये देखोगे ब्लेज कंपनी का है, JK टायर ब्लेज। और पीछे में भी सेम टायर कॉन्फ़िगरेशन आता है, देखो यहाँ पे भी ब्लेज लिखा है JK टायर, और यहाँ पे आई थिंक देखने को मिलेगा। और जो मतलब जो टायर का विड्थ है 90x90 सेक्शन 18 inches का टायर आपको फ्रंट और बैक में देखने को मिलेगा। तो ये सही सीन है और मतलब बेसिक सा बाइक है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, हीरो HF डीलक्स एक ऐसा बाइक है ना इंडियन मार्केट में हमेशा देखने को मिलता है। और आप दुनिया में मतलब इंडिया में कहीं भी चले जाओ, रूरल एरिया, सिटी, स्पेशली विलेज एरियाज में जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा HF डीलक्स। और फ्रंट पोर्शन में आते हो तो देखोगे एक मस्त सा आपको मडगार्ड देखने को मिलेगा विद लिटिल बिट डिजाइनिंग। और यहाँ पे देख पाओगे बेसिक सा सस्पेंशन है, पतला टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि कम्यूटर सेगमेंट के हर एक बाइक में होता है। और अभी इसको चला के भी देखेंगे और बताएंगे कि कैसा इसका राइड क्वालिटी है, राइड फील कैसा है। और यहाँ पे देख पाओगे जो बाइक का जो रिम है वो वाइट कलर में मिलता है। तो ऑफकोर्स भाई बोल सकते हैं कि भाई हीरो ने भी
मतलब बाइक में वाइट कर दिया है रिम, लेकिन ये रिम जो है वाइट देखने में अच्छा लगता है, ये मतलब ख़राब नहीं लगता है। और बजाज पता नहीं भाई हर एक बाइक में वाइट रिम्स कर दे रहा है, जो कि देखने में बहुत ही फालतू लग रहा है। और आई थिंक मैंने सब पॉइंट्स बता दिया है, बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन है। और सबसे पहले बात करें तो भाई ये इंजन बहुत अच्छा माइलेज प्रोड्यूस करेगा, और ये गाड़ी भाई पूरा मतलब क्या बोले बहुत अच्छा पेट्रोल का आपको माइलेज देगा। तो नियर अबाउट मान लो 65 से 75 तक का तो माइलेज आराम से मिलेगा, क्योंकि 99 cc का बाइक है, मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हो 100 cc का इसको बोला जाता है, लेकिन इसका जो क्यूबिक कैपेसिटी है नियर अबाउट 97.2 cc का है। तो उसके हिसाब से आपको माइलेज ज़बरदस्त मिलेगा, नियर अबाउट 70 km/L तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये गाड़ी मेनली रूरल एरियाज़ विलेजेस में ज़्यादा चलता है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी का बात करें तो भाई नियर अबाउट 9.5 से 10 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिलेगा। और ये FI वाला मॉडल है तो इसमें कोई कार्बोरेटर का सिस्टम नहीं है। और देख पाओगे यहाँ पे फ्यूल टैंक का जो मतलब क्वालिटी है फ्लिपर का वो भी सही मुझे लगा मुझे। और मीटर का बात करें तो बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन है, ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे देख पाओगे न्यूट्रल इंजन मैन फंक्शन अपर बीम एम्प्टी और फुल मतलब फ्यूल का दिखाएगा। और यहाँ पे 0 to 140 km/h का आपको स्पीडोमीटर इंडिकेटेड दिखाएगा। और यहाँ पे देख पाओगे ओडोमीटर में आपको रीडिंग भी दिखा रहा है तो कितना बाइक चला है। इसमें कोई बेसिक फीचर जैसे ट्रिप मीटर भी नहीं आता, एटलीस्ट आई थिंक ट्रिप मीटर आना चाहिए था। और यहाँ पे देख पाओगे इंडिकेटर का आपको ग्रीन लाइट भी दिख रहा है, मतलब किधर आप टर्न किए हो। तो चलो सही लगा ये देख के, मतलब बेसिक बाइक है। और फ्रंट पोर्शन में आ जाते हो तो आपको मिलेगा वही हैलोजिन सा हेडलैम्प, और यहाँ पे देख पाओगे हैलोजिन हेडलैम्प है। और इंडिकेटर भी बल्ब वाला ही है, एटलीस्ट LED नहीं हम लोग आस कर सकते, लेकिन जो भी है सही है भाई। और इसका भी आई थिंक बेसिक सा लाइट है, नियर अबाउट 35 W का है, जो कि डिसेंट सा आपको परफॉर्मेंस देगा एट नाइट। एंड सबसे मेन खासियत बात है कि इंडिया मार्केट में ज़्यादा बिकता क्यों है, इसी को आज को राइट रिव्यू करके देखते हैं। आई थिंक सब पॉइंट्स मैंने कवर कर दिया। हाँ भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें आता है 4-speed का गियर बॉक्स। तो ये देखो यहाँ पे टो शिफ्टर भी है, हिल शिफ्टर भी है, तो ये एक अच्छा काम किया है हीरो ने कि इसमें आपको हिल शिफ्टर भी मिलता है, टो शिफ्टर भी मिलता है, जिससे बहुत कन्वीनियंस होता है कस्टमर के लिए चलाने के लिए बाइक को। और इधर में देख पाओगे एक अच्छा सा साड़ी गार्ड दिया गया, अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड मम्मी या आंटी बैठते हैं तो उसको साड़ी या उसका जो भी क्लोथ्स होगा फंस ना जाए, तो एक सेफ्टी प्रोटेक्शन है। और ऑफकोर्स यहाँ पे देख पाओगे एक सिल्वर सा भाई आपको मिलता है क्रैश गार्ड, तो ऐसा ही कुछ आपको बेसिक सा फीचर्स मिलता है। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा भाई, ये जो बाइक है ना मतलब मस्त बाइक है, इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा देखने को मिलता है कि मैं क्या ही बोलूं भाई। तो इसी का आज को अपन राइड रिव्यू करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि वाई इन द इंडियन मार्केट HF Deluxe ने इतना नाम कमाया है और धूम मचाया है। तो आई थिंक मैंने सब पॉइंट्स कवर कर दिया है, जो भी है चलो मिलते हैं राइड रिव्यू में। सो गाइज वेलकम इन टू द रिव्यू ऑफ हीरो HF Deluxe 2023 एडिशन का राइड रिव्यू। तो एक चीज़ मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा भाई, चलाने के मामले में जो 2023 एडिशन जो HF Deluxe जो मैं अभी चला रहा हूँ, जो लॉन्च हुआ है, बहुत ज़्यादा इंजन रिफाइंड है। मतलब BS3 में थोड़ा सा वाइब्रेशन बजीनेस था। देखो नियर अबाउट आई एम ऑलमोस्ट डूइंग द स्पीड ऑफ 50 से 60 km/h का मैं अभी स्पीड कर रहा हूँ, और मैं अभी सिंगल नहीं हूँ, मैं पिलियन के साथ भी बैठा हूँ, मतलब मेरा जो मैनेजर है उसको मैं पीछे बैठाया हूँ, तो उसको मैं लेके ऑफकोर्स वीडियो करता हूँ। तो चलो बाइक में फोकस करते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट देखो मैं 60 का स्पीड कर रहा हूँ, एंड इंजन में वैसा कुछ वाइब्रेशन मुझे लग नहीं रहा है, और आई थिंक चलाने के मामले में बहुत ज़्यादा स्मूथ है भाई। इंडिया का मार्केट में आप कहीं भी चले जाओ HF Deluxe आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो इसका रौला ही कुछ इस तरह का है, इसका बाइक का आतंक जब से लॉन्च हुआ तब से नेक्स्ट लेवल पे है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये इंजन जो प्रोड्यूस करता है पावर 8 BHP एंड टॉर्क है 8.5 Nm का टॉर्क, तो 97 cc का क्यूबिक कैपेसिटी है, एंड इसको 100 cc बाइक कैटेगरी में इसको माना जाता है। तो चलाने के मामले में ज़बरदस्त है, और ये बाइक इक्विप्ड आता है हील एंड टो शिफ्टर के साथ विद 4-speed गियर ट्रांसमिशन। तो एक चीज़ बोलूँगा, चलाने के मामले में HF Deluxe देखो ज़बरदस्त है, इस तरह से जो मैं इसको मनोवर कर रहा हूँ चलाने के मामले में ज़बरदस्त लग रहा है। एंड बेसिक सा फीचर्स आपको मिलेगा स्पीडोमीटर कंसोल में, ज़्यादा कुछ ऐसा मिलेगा नहीं। और ये मेनली जो कंप्यूटर वाला बाइक है HF Deluxe, इसको मेनली टारगेट किया जाता है भाई मतलब कंप्यूटर सेगमेंट में। तो ये बाइक मेनली बनाया जाता है माइलेज के लिए, ताकि ये अच्छा सा माइलेज दे। और अभी मैं थर्ड गियर पे हूँ, देखो अच्छा से गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मुझे गियर शिफ्ट भी स्मूथ ही लग रहा है, स्लिक शिफ्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा और बेटर होता तो अच्छा होता। क्लच का फील कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि देखो भाई मैं तो स्पोर्ट्स बाइक चलाता हूँ, तो इसलिए भी मुझे हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई परेशानी नहीं है। आई एम ऑलमोस्ट डूइंग द स्पीड ऑफ 60 एंड देयर इज लिटिल बिट वाइब्रेशन फ्रॉम द हैंडल बार एंड फुट ब्रेक्स, बट फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट इट इज़ गुड ओनली। तो चलाने के मामले में ज़बरदस्त है, देखो अभी हैंडल छोड़ कर से चला रहा हूँ तो सही है, मतलब उतना मुझे इश्यूज फील नहीं हुआ है। और इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा बिकता है कि क्या ही बोलूँ भाई। आप मार्केट में निकलो, इंडिया का कोई से भी मार्केट में जाओ, अगर आपको HF Deluxe ना देखने को मिले तो आप बोलना। लेकिन इसमें हीरो मोटो का आपको थोड़ा काम करने का नीड है, जैसे ये अभी 2023 एडिशन है, तो 2023 एडिशन में स्प्लेंडर जो एक्सटेक है उसमें आपको देखने को मिलेगा मतलब ब्लूटूथ वाला ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो इसमें भी आई थिंक अगर दे देता तो अच्छा होता। देखो टर्निंग रेडियस भी सही लगा मुझे,
तो चलाने के मामले में स्मूथ है, मतलब नो डाउट गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। एंड अभी मैं फोर्थ गियर कर रहा हूँ ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ 40। अगर इस स्पीड में आप रहोगे तो एचएफ डिलक्स का ये इकोनॉमी वाला स्पीड है, इस स्पीड में अगर आप रहोगे तो आपको नियर अबाउट भाई आराम से 65 से 70 किलोमीटर पर लीटर का तो माइलेज आपको मिलेगा ही इन द सिटी, और हाईवे में नियर अबाउट 75-78 भी जा सकता है। तो ये गाड़ी माइलेज का बाप है भाई, और इसका मेन टक्कर होगा TVS स्टार सिटी स्पोर्ट्स के साथ, और बोला जाए तो TVS रेडॉन, बजाज प्लैटिना, बजाज CTX 100, तो ये सबके साथ इसका मेन कंपैरिजन है। लेकिन एक चीज बोलूंगा, आप मार्केट में जाओ और आप मुझे बताओ कि आपको कितना स्प्लेंडर देखने को मिलता है, कितना एचएफ डिलक्स देखने को मिलता है, ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप दूसरा ब्रांड से कंपेयर करो, जैसे हो गया भाई आपका होंडा ड्रीम योगा, होंडा CD10 110, ठीक है, अगर आपका बजाज CTX 100, प्लेटिना 110, ये सब उतना देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको एचएफ डिलक्स और स्प्लेंडर देखने को मिलता है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका खासियत बात है कि भाई जब से लॉन्च हुआ है तब से भाई ये आतंक मचा के रखा है इंडियन मार्केट में, और ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है। और अभी मैं नियर अबाउट 55-60 का स्पीड में हूँ, एंड देखो अभी एकदम आराम से क्रूज करते हुए जा रहा हूँ, मुझे इंजन पर ऐसा स्ट्रेस नहीं लग रहा है कि इंजन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और मैं अभी ट्विन बैठा हूँ, मतलब मैं राइडर मैं खुद भी बैठा हूँ, पिलियन में मेरा एक दोस्त भी बैठा है, मतलब भाई बैठा है, तो दोनों को लेकर चल रहा हूँ। तो 60 का स्पीड में देखो आराम से क्रूज करते हुए जा रहा हूँ, कोई मतलब बेचैनी है, कोई इंजन से कोई मुझे रफनेस फील नहीं हो रहा है। तो चलाने के मामले में ज़बरदस्त है, एंड हैंडलिंग भी सही है। और देखो और एक चीज़ बोलूँगा, ब्रेक क्वालिटी का बात थोड़ा कर लिया जाए, तो भाई इस गाड़ी में आता है IBS। अगर आप इसका रेयर वाला ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपका फ्रंट वाला भी एंगेज हो जाएगा, तो एक खासियत बात है। देखो नियर अबाउट आई एम डूइंग द स्पीड ऑफ 50, चलो स्लैम ऑन द ब्रेक, देखते हैं ब्रेकिंग क्वालिटी कैसा है। तो चलो भाई थोड़ा सा सामने ट्रैफिक को क्लियर होने देते हैं, तो अब चलो थोड़ा सा एक बार ब्रेक में दबाते हैं और देखते हैं कि कैसा क्या इसका फीडबैक है। देखो ब्रेक क्वालिटी सीख लगा, मतलब इनिशियल बाइट नहीं है, लिटिल लिटिल प्रोग्रेस करके आपको अच्छा ही ब्रेक देता है। अगर इसमें इनिशियल बाइट अच्छा होता तो भाई आपको गिरने का चांसेस ज़्यादा होता, क्योंकि टायर पतला आता है, 90 सेक्शन फ्रंट 90 सेक्शन बैक दोनों एलॉयज आता है 18 इंचेस का, तो ऐसा कुछ सीन है। चलाने के मामले में ज़बरदस्त है। जैसे देखो अभी एचएफ डिलक्स को मैं ले जा रहा हूँ थोड़ा सा खराब रोड में, मतलब हल्का सा खराब रोड है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा भाई इसका जो सस्पेंशन क्वालिटी है वो कितना अच्छा ट्यून किया गया है। मैं देखो कोई इशू नहीं हो रहा, देखो इस जगह से भी मैं निकाल रहा हूँ बाइक को, तो ये गाड़ी बनाई है इस सब जगह में चलने के लिए, मतलब प्रॉपर ऑफ रोड नहीं लेकिन रूरल एरियाज में आप चला सकते हो। तो चलाने के मामले में ज़बरदस्त है। देखो अभी थर्ड गियर पे है और आराम से मैं बाइक पुल कर लिया, मतलब इंजन का जो लो एंड टॉर्क भी अच्छा, देखो मैं थर्ड गियर में थ्रॉटल ओपन किया हूँ एंड बाइक ज़बरदस्त पुल कर रहा है। तो दिस इज़ द क्रेजी थिंग अबाउट एचएफ डिलक्स। तो आई थिंक मैंने भाई लोग सब पॉइंट्स बता दिया है कि एचएफ डिलक्स क्यों लेना चाहिए, ठीक है। देखो अभी नियर अबाउट मैं ये सब थोड़ा सा गंदा पैच ऑफ रोड में नियर अबाउट 55 कर रहा हूँ, कोई ऐसे इशू नहीं हो रहा है। तो चलाने के मामले में ज़बरदस्त है, एंड एचएफ डिलक्स तो है ही भाई शानदार बाइक, और हीरो मोटोकॉर्प का बाइक है, तो भाई जगह जगह आपको सर्विस सेंटर मिलेगा। आप गांव चले जाओ, सिटी चले जाओ, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज कहीं भी जाओ भाई, आपको सर्विस सेंटर जगह जगह मिलेगा। तो ये एक सबसे इसे प्लस पॉइंट बनाता है कि इंडियन मार्केट में इसीलिए एचएफ डिलक्स आज तक बिक रहा है। तो चलो भाई आई थिंक मैंने सब पॉइंट कवर अप कर दिया है, एंड चलो मिलते हैं माई ओपिनियन में। सो गाइज, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आपको पता लगी गया हो कि एचएफ डिलक्स में मैंने क्या सब पॉइंट्स बताया। तो एक चीज़ बोलूँगा, हीरो एचएफ डिलक्स जो बाइक है वो बहुत ज़्यादा शानदार है मतलब चलाने में। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा बिकता है ना कि क्या बोलूँ। और ये जो बाइक है चलाने के मामले बहुत अच्छा, और ये जो BS6 जो एडिशन मेरे पीछे देख पाओगे 2023 एडिशन, एक चीज़ बोलना चाहूँगा चलाने के मामले में ज़बरदस्त स्मूथ है, मतलब मक्खन का तरह गियर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हीरो को अगर इसमें थोड़ा LED लाइट्स देता या जो स्प्लेंडर जो एक्सटेक मॉडल है जिसमें आपको ब्लूटूथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता, अगर वो एचएफ डिलक्स में भी कंटिन्यू कर दिया जाता तो ज़बरदस्त होता। और इसका मेन राइवल क्या है बोला जाए तो दूसरा कंपनी में देखा जाए तो भाई प्लैटिना है, TVS स्टार स्पोर्ट सिटी है वो वाला भी है, TVS रेडॉन भी है, तो लेकिन भाई एचएफ डिलक्स का कोई कंपटीशन ही नहीं है। इंडियन मार्केट में आप कहीं भी जाओ, गाँव देहात रूरल एरियाज में आपको एचएफ डिलक्स हर जगह देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोग मतलब कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे कि हर जो इंसान मेरा ये वीडियो देख रहा है, मैक्सिमम हर लोग एचएफ डिलक्स, स्प्लेंडर, ग्लैमर, पैशन, इसी सब में बाइक चलाना सीखते हैं भाई। तो बोला जाए तो एचएफ डिलक्स जब से लॉन्च हुआ है तब से आज तक ये मार्केट में आतंक की तरह बिक रहा है भाई। तो चलो आई थिंक मैंने सब पॉइंट्स बता दिया है, इसका जो कौन कॉम्पिटिशन है वो सभी मैंने राइट रिव्यू में बताया था। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय टुडेज़ व्लॉग। सो गाइस, राइट सेफ, राइट हार्ट, अर्न मनी, बी हैप्पी, चेज़ योर ड्रीम, मेक अदर्स हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड मैं सोशल मीडिया का लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्या मुझे फॉलो भी कर सकते हो। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।